हम लोग बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे मन पर। इसी संदर्भ में मुझे भी एक कहानी याद आती है। मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज एक बार बाजार से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में लाल लाल कश्मीरी सेबों को देखकर उनके मन में खरीदने की इच्छा हुई। स्वामी राम तीर्थ ने मन से कहा कि देख मन, तूने नौकरी छोड़ी, बीवी बच्चे और भोगों के सारे सामग्री को त्यागे हो, साधु का भेष धारण किए हो, फिर भी तुक सेब के लिए ललायत हो, तू इस इच्छा को त्याग दो। मन से वो समझाते हुए कहा, लेकिन मन मानता कहाँ है। मन एक बार जो चाह लेता है फिर मन वहीं जाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से उन्होंने मन को बहुत समझाया। मन को समझाकर आश्रम आ गए, आत्मचिंतन में बैठ गए। आत्मचिंतन में बैठ गए तो मन में सेब चिंतन करने लगा। मन सेब चिंतन करने लगा, कैसा था लाल लाल कश्मीरी सेब, दिल दिमाग को ताकत देने वाला। सेब के आकर्षण के कारण आत्मचिंतन नहीं हो पाया। अंत में स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने अपने प्रिय शिष्य स्वामी नारायण को बुलाकर कहा, बेटा तुम बाजार जाओ और बाजार से काफ़ी मात्रा में सेब खरीद कर लाओ। स्वामी नारायण जी महाराज सेब खरीद कर बाजार से आए, सेब को अमनिया के धोकर स्वामी रामतीर्थ जी महाराज अपने कक्ष में बैठे हुए थे। स्वामी नारायण जी महाराज सेब को ले जाते हैं स्वामी रामतीर्थ जी के महाराज के पास और कहा, महाराज आप जलपान कर लीजिए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, ठीक है बेटा मैं कर लूँगा, तुम जाओ। वहाँ से स्वामी नारायण जी महाराज चले आते हैं और स्वामी रामतीर्थ जी महाराज अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और दरवाज़ा बंद करने के बाद सेब को अपने हाथ से उठाते हैं और मुख के पास ले जाता है और कहता है, खाओ, गप से खा जाओ, तुम्हें दिल दिमाग को ताकत बढ़ाएंगे, क्यों नहीं खाते हो। कई बार मुंह के पास ले जाते और सेब को फिर थाली में रख देते। कई बार ऐसे करता रहा, मन का मनोबल टूट गया, फिर सेब के तरह देखने का मन भी नहीं करता था। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज फिर कुछ देर बाद उन्होंने दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोलने के बाद स्वामी नारायण को बुलाकर कहा, बेटा ये प्रसाद सभी लोगों को बांट दो। तो स्वामी नारायण ने कहा, महाराज आप तो नहीं खाए सेब, जैसे मैंने दिया वैसे ही आप लौटा दिए। तो स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने कहा, बेटा मेरा और मन से युद्ध छिड़ गया था। मन कहता था खा लो और मैं कहता था नहीं खाऊंगा। मन कहता था खा लो, मैं कहता था नहीं खाऊंगा। मन हार गया, मैं जीत गया। ये विजयी का प्रसाद है बेटा, इन्हें बांट कर तुम लोग खा लो। तो इसलिए उन्होंने मन को कहा नहीं माना। जो व्यक्ति इस संसार में मन को कहे हुए बातों को मान लिया है उन्हें दुख भोगना पड़ा। ऐसी बात नहीं है, मन में जो बातें आती हैं उन पर हमें विवेक और विचार करने की आवश्यकता है।
आदमी एक मन को नहीं संभाल पाते हैं, मन को सुंदर नहीं बना पाते हैं, दुनिया के सभी चीज़ों को सुंदर बनाना चाहते हैं। रावण के पास क्या कमी थी? कहा जाता है सोने का लंका था, धन की अंबार था, फिर भी उन्होंने अपने मन को वश में नहीं कर पाया, मन को सुंदर नहीं बना पाया। एक सीता की सुंदरता में अपने धर्म से पतित हो गया। आज कोई माँ अपने बच्चे को रावण नाम रखने के लिए चाहती है? नहीं चाहती है, क्योंकि उनका आचरण ठीक नहीं है। रावण तो बहुत विद्वान आदमी था, कहा जाता है वेद विद्या व्रत स्नातक अनि वेद विद्या, चारों वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन कहा भी गया है वेद को जाना तो कुछ नहीं जाना, धर्म को जाना तो कुछ नहीं जाना। जो अपने मन के विचारों को जिन्हें समझने आ गया, जिन्होंने अपने मन के विचारों को समझ लिया, वो पूरी दुनिया को पढ़ लिया। हम तो दुनिया को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपने मन को नहीं पढ़ पाते हैं, अपने मन को सुंदर नहीं बना पाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से जो हार जाता है, मन के हारने का मतलब है कि गलत विचारों से मन को हराओ, गलत विचारों से मन को हरा कर ऊपर उठो, मन में सत विचार लाओ, मन को वश में करो। साहेब और भी कहा है साखी में, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाय। साहेब कहते एक साधे सब साधिया, एक साधे सब साधिया, ये एक क्या है? मन है, इंद्रियां है, इन्हें अपने वश में कर लो तो मानो पूरी दुनिया को तुम वश में कर लोगे। जैसे एक पेड़ है, छोटा सा पौधा है, और पौधों को जड़ में पानी डाल दिया जाता है, पूरे पेड़ हरा भरा रहता है, और सींचने वाले को भी फल खाने को मिलता है, और राहगीरों को छाया भी मिलती है। लेकिन पेड़ के जड़ में पानी न डालकर एक एक पत्ते एक एक तने को सींचे तो क्या पेड़ हरा भरा रह सकता है? क्या पेड़ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, परम आनंद की प्राप्ति चाहिए, तो एक मन को वश में करना पड़ेगा। हम तो मन को वश में नहीं करते हैं, एक एक पत्ते एक एक तने को सींचते हैं, जड़ को नहीं सींचते हैं। एक पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे वश में हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा, और बेटा चाहता है मेरे पिताजी मेरे वश में हो जाएंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। एक सासू माँ चाहती है मेरी बहू रानी मेरे वश में हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। बहू रानी चाहती है सासू माँ मेरे वश में हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। एक शिक्षक चाहते हैं विद्यार्थी मेरे वश में हो जाए तो विद्यार्थी का जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और विद्यार्थी चाहते हैं शिक्षक मेरे वश में हो जाए तो मैं और मेरा जीवन और शिक्षक का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। बंधुओं याद रखना, आप दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते हैं, किसी को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन आप अपने मन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं आपसे पूछूं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या आप सबसे मैं पूछूं, कोई यहाँ अपने घर को छोड़कर आए हैं, कोई अपनी पत्नी को छोड़कर आए हैं, कोई अपने बच्चे को छोड़कर आए हैं, रिश्ते नाते को छोड़कर आए हैं, धन खजाने को छोड़कर आए हैं, क्या कोई मन को छोड़कर आए हैं? सब मन को लेकर आए हैं।
जिस आदमी के पास हमेशा मन रहता है वही मन खराब रहता है। तो हम मन को सुंदर बनाए, अगर मन सुंदर हो जाए तो आज जो इतनी लड़ाइयाँ होती है, बम बारूद एक दूसरे पर फेंका जाता है, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये सब मन का ही खुराफात है। हम मन में गलत चिंतन न करें, अच्छे चिंतन करें, और मन सुंदर होगा तो जीवन भी सुंदर होगा, मन खराब होगा तो जीवन भी खराब होगा। इसलिए हम मन को सुंदर बनाए। जिस प्रकार से हम कल्पना करते हैं हमारा घर सुंदर होना चाहिए, घर सुंदर होना चाहिए, मेरे गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, हम सब कुछ के कल्पना करते हैं, ये बढ़िया होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या हम कभी कल्पना करते हैं हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए कभी हम नहीं सोचते हैं। एक बार महात्मा सुकरात दर्पण देख रहे थे, किसी उनके एक शिष्य आ गए, कहा गुरुदेव जी आप तो देखने में सुंदर नहीं हैं, आप तो काले हैं, आप क्यों दर्पण देख रहे हैं? महात्मा सुकरात ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिए। उन्होंने कहा बेटा मैं इसलिए दर्पण देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से मेरा चेहरे काला है, क्या मेरे विचारों में तो कालाबाजी नहीं है? अंदर से तो मैं काला नहीं हूँ, लेकिन दुनिया में जो आदमी देखने में सुंदर है उन्हें भी दर्पण देखना चाहिए और उन्हें ये सोचना चाहिए जिस प्रकार से मेरा चेहरा सुंदर है, क्या मेरा मन भी सुंदर है? मेरे मन में भी सुंदरता है कि नहीं? हर आदमी को दर्पण देखना चाहिए। एक शायर हुई है मिर्जा गालिब, उन्होंने कहा है जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर और आईना पोछता रहा। हम सब भी यही एक गलती कर बैठते हैं, धूल जमी कहीं और है, पोछते कहीं और है। मन से आदमी दुखी है, मन से आदमी परेशान है, और आदमी कहीं भगवान की अर्चना वंदना करके सुख और शांति पाना चाहता है, कहीं बाहर अपने से सुख और शांति को खोजता है तो कहाँ मिलेगा? हम सब मन को सुंदर बनाए हैं, जब मन सुंदर होगा तो हमारा जीवन भी सुंदर होगा, और जीवन सुंदर होगा तो यही स्वर्ग है, यही शांति है। तो सद्गुरु कबीर की ये साखी याद रखें, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। मूल मतलब अपने मन को वश में कर लो, इंद्रियों को वश में कर लो, तो मानो तुम स्वर्ग में विराजमान हो। मन खराब होगा तो जीवन भी खराब होगा, इसलिए हम सब अपने जीवन को सुंदर बनाएं, और जीवन सुंदर बनेगा तो जीते जी आप स्वर्ग में अनुभव करेंगे। तो मैंने अभी मन पर कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।